गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन ना राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जितेंद्रनाथ सांखला बावड़ा नी एक दिवस से मुलाकात है। उत्तर प्रदेश ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना प्रखर शिष्य व योगी जितेंद्रनाथ सांखला तेमज समाज सेवी रहीम शेख एक दिवस से मुलाकात है। आज बावड़ा आवी पहुंचया हता तेरे जीतूभाई सोनी धर्मेंद्र सिंह मसाणी अतुल भाई ठाकुर तेमज अन्य लोगों ने तेमनु फुल हार्टी स्वागत कर्यु हतु। વિશેષમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમારી સંસ્થાના કાર્યકર્તાઓ ગુજરાતમાં પણ છે અને અમારી સંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માનવ સેવાના કાર્યો, ધાર્મિક કાર્યો તેમજ સમાજના લોકોને એકજૂટ કરવાના કાર્યો પણ કરે છે અને સમાજના જે હકો છે તે તેમને મળે તે દિશામાં કાર્યો પણ કરીએ છીએ તેવું પણ જણાવ્યું હતું। જીતેન્દ્રનાથ સાંખલા ગુરુ ગોરખનાથ ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આજ મેં અમારી જીતેન્દ્રજી સોનીજી કે પાસ મેં આવ્યા હું ઓર ભોલેનાથજી કે પાસ આવ્યા હું ઓર મેં આપ સભી कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज मेरा इतना आदर सहित उन्होंने स्वागत किया है। और समाज के अंदर हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरे भारतवर्ष में माला बनाने का काम किया है और कभी माला तोड़ने का काम नहीं किया है। और हम समाज और भारत माता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। एक प्रश्न है योगी जी, एक गुजरात आने का आपका खास प्राधान्य अभी क्या है? अभी गुजरात एक्चुअल में हम अचानक आए, हमारे कुछ बिजनेस के सिलसिले में आए थे और अभी तक किसी को पता नहीं है। और अहमदाबाद में कम से कम हमारे 2000 कार्यकर्ता है, किसी को पता नहीं है मैं आया हूँ। लेकिन क्यों, समय नहीं है, समय के कारण। और क्योंकि जितेंद्र जी से मिलना भी जरूरी था और हमारे भोलेनाथ जी से भी मिलना जरूरी था, तो बस आए हैं और इन्होंने स्वागत किया है और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अगली बार जो नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, जब भी मैं जरूर आऊंगा।